और आपका स्वागत है वॉइस ऑफ फैमिली में। इस वक्त मैं हूँ आपके साथ महक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फैमिली न्यूज चैनल। वही लगातार मानसून का दौर जारी है और रतलाम से खबर आ रही है जहाँ मध्य प्रदेश में मानसून अपने आखिरी दौर में जमकर बारिश बादल बरसा रहा है। जी हाँ, पिछले 24 घंटे के दौरान आगर मालवा और रतलाम में 3 से 6 इंच तक बारिश ने बाढ़ के हालात बना दिए। नदी और नालों के उफान पर आने से रतलाम जिले में पानी के तेज बहाव में एक कार और एक बाइक बह गई। जहां ग्रामीणों ने कार सवार युवक को बड़ी मुश्किल से बचाया, अन्य जगह भी गाड़ियां बहने की खबरें लगातार सामने आ रही है। जहां रतलाम शहर के डाच के पुल, सलाना बस स्टैंड और निचले रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर भी पानी भर गया। हालांकि फिलहाल ट्रेनें रोकने की नौबत नहीं आई है, रेलवे के अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। भोपाल और इंदौर समेत कई जगहों पर भी बारिश रिकॉर्ड की गई है। जहां मौसम विभाग के पीके साहा ने बताया है कि बीते 24 घंटों के दौरान आगर मालवा में सबसे ज्यादा 6 इंच तक पानी बरस गया और रतलाम में भी 3 इंच तक बारिश ने बाढ़ के हालात बना दिए। सबसे ज्यादा बारिश आगर के लखेड़ा और सुसनेर में 6-6 इंच हुई। इसके अलावा शाहजहांपुर में 1, श्योपुर, भोपाल और धार में आधा आधा इंच पानी गिरा। वही इंदौर, भोपाल शहर, गुना और खंडवा, उज्जैन, सीधी, खरगोन, होशंगाबाद, रायसेन, ग्वालियर, जबलपुर और दतिया समेत 143 केंद्रों पर बारिश रिकॉर्ड की गई। वही आपने जो इस वक्त बड़ा अपडेट, ये था अब तक का अपडेट। इस तमाम जानकारी लगातार हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ फैमिली के साथ। जय हिंद, जय भारत।